हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आए हैं, तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं पनीर। बहुत ही अच्छा बनता है, घर में बनाएं, बाज़ार से ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने 2 लीटर दूध को ले लिया है। ये दूध है गाय का, आप चाहें तो भैंस के दूध का भी बना सकते हैं। हमारे पास गाय का दूध था, उसका हम बना रहे हैं। तो इसे हम चढ़ा दिए हैं गैस पर और इसे हमें बॉयल करना है। एक बॉयल आने तक हमको इसे उबालना है। जब ये एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम इसे फाड़ेंगे। कैसे फाड़ेंगे वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल ना स्किप करें। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से दूध बॉयल हो गया। और अब इसे हम गैस बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसे कैसे फाड़ते हैं, किस चीज़ से फाड़ते हैं वो आपको बताएंगे। तो देखिए, गैस हमने बंद कर दिया है और अब ये थोड़ा सा कूल हो रहा है। इसको हम फाड़ रहे हैं पनीर के पानी से। जो छेना बनाते हैं मार्केट में, उसी का पानी है, उसके पानी से बहुत अच्छा फट जाता है। एक बार आप पनीर बना लीजिए, उसका पानी रखते रहिए, बार बार जब आपको ज़रूरत हो उससे आप फाड़ सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए और जब ज़रूरत हो उससे आप फाड़िए। तो ये देखिए, हमने 1 गिलास लिया था, उसी को धीरे धीरे इसमें डालेंगे और चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे, बहुत अच्छे से फट जाता है। अगर आपके पास पनीर का पानी, छेने का पानी नहीं हो, तो आप इसे विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। वाइट विनेगर होता है, फिटकरी होता है, दोनों से ही फाड़ सकते हैं। अगर आपको ये आसानी से मिल जाए, मार्केट में मिल जाता है, जो छेना फाड़ते हैं उनके पास ये रहता है पानी, तो उसको आप ले आइए, उससे आप इसे आसानी से फाड़ सकते हैं। और इसका जो पानी निकले आप इसे रख दीजिए, दोबारा जब आपको फाड़ना हो तो आप उससे फाड़ सकते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे ये मिल्क फटना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हमको इसे फाड़ना है। तो अब ये काफ़ी हद तक फट गया है, थोड़ा सा इसमें हमको और डालना होगा, उसके बाद ये फट जाएगा। उसके बाद हम इसको छानेंगे और कैसे इसको हमको जमाना है ये आपको दिखाएंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, घर में बनाइए, सॉफ्ट और प्योर रहेगा। मार्केट में तो मिलावटी मिल ही रहा है, तो हम घर में ही क्यों ना बनाएं। तो ये देखिए, पानी अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। और अब हम इसे कैसे सेट करते हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका पानी हम निकाल लेंगे और एक बर्तन लेंगे, उस पर एक वाइट मसलन का कपड़ा लेंगे, कॉटन का, और सारा पानी इसका ऊपर का पहले हम हटा देंगे एक बर्तन में। उसके बाद हम इसे छानेंगे, जितना निकल पाएगा उतना आप निकाल दें, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो ये देखिए, पानी हमने ऊपर से निकाल दिया और अब हम कपड़े पे इसको डाल रहे हैं। कुछ कलछी से डाल देंगे, जब थोड़ा कम हो जाएगा तो हम इसे पकड़ से पकड़ के पूरा छान लेंगे। देखिए कितना बढ़िया घर का पनीर, सॉफ्ट और टेस्टी दोनों ही होता है, और आसानी से आप दूध बच गया बना भी सकते हैं। या आपको ऐसे भी खाना है पनीर, तो फट से आपने दूध चढ़ाया, बॉयल किया और बना लिया। तो घर में बनाना बहुत आसान है पनीर, बिना मेहनत का, और बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए अब इसे दिखाते हैं इसे क्या करना है। तो ये हमने निकाल लिया पनीर, अब इसे हमको छानना है, इसका खट्टापन कम करना है। इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जो पतीले में दूध था उसी में हमने इसको फिर से लगा दिया। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, इसे धो लेंगे, धोने से इसका खट्टापन निकल जाएगा, और उसके बाद इसे हम सेट कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे 1 गिलास पानी डाल दिया, 1 से 2 गिलास पानी आप इसमें डालें और इसे धो लें। दूसरा गिलास भी पानी हमने ले लिया, उसे भी डाल दिया, और ये अच्छे से अब धुल गया है, इसे हम निकाल लेंगे। और अब इसे हमें कैसे दबाना है वो आपको दिखाते हैं। ये सारे बर्तन हटा देते हैं। एक हमने थाली लिया है, एक छन्नी लिया है, आपके पास स्टील की छन्नी है उसे भी ले सकते हैं, उसके अंदर इसको डाल करके और एक वेट वाली चीज़ से इसको दबा दीजिए। तो हमने एक कटोरे में पानी ले लिया है, उसको पहले रखा, उसके ऊपर 1/2 kg, 1 kg का वेट वाला छिलका बट्टा होता है उसे हमने रख दिया है। इससे जो है ये दब के अच्छे से सेट हो जाएगा। 10-15 मिनट तक इस तरह दबा रहने दें। देखिए, सारा पानी निकल गया है और अब इसे हम हटा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कितना अच्छा पनीर सेट हुआ है। बाज़ार जैसा पनीर घर में बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से। तो अब ये पनीर बन के तैयार हो गया है और सेट भी हो गया है। अब इसे हम पीस पीस करके दिखाते हैं आपको। ये पानी हटा देंगे और बर्तन भी हटा देंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया पनीर सेट हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और अब आपको घर से ही मार्केट जैसा पनीर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बना लिया है, और इसे हम काट के आपको दिखाते हैं। बहुत सॉफ्ट है, उसे भी दिखाएंगे कितना सॉफ्ट है, और बिल्कुल नहीं बिखरता है। आप इसे इस तरह से पीस पीस करके सब्जी बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, भुजिया सब्जी इसकी बन सकती, कुछ भी आप बनाएं आप आसानी से बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। तो इस तरह से
ये हमने पीस पीस कर लिया। और आप दिखाते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा पीस कट रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा पनीर बन गया है घर में। तो इस तरह से आप बनाएं। और अब दूसरा पीस भी हम आपको दिखाएंगे कितना अच्छा से ये कटा हुआ है, कहीं से नहीं बिखरने वाला, चाहे आप जैसे भी इसकी सब्ज़ी बनाएं बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो इसी तरह से आप बनाएंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। और घर में ही पनीर बनाएं, मार्केट से ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में इतना मिलावट है कि उसमें टेस्ट ही नहीं आता पनीर में। और घर में आप बनाएंगे तो इसकी सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इस तरह से देखिए हमने सारे पीस अलग कर दिए और कितना सॉफ्ट बना है। रेसिपी ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। साइड में बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।